अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेमेडी शेयर करूँगी। एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल बनाऊँगी जो कि बालों के लिए बेहतरीन है। मैं ख़ुद पर्सनली इसको बना रही हूँ, बहुत अच्छा है। पहले भी इसको मैं बना चुकी हूँ, हम इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपका डैंड्रफ का इशू सॉल्व हो जाएगा। आप गंजपन का अगर शिकार है, कहीं कहीं से आपके बाल थोड़े थोड़े कम हो गए हैं तो आपका वो मसला भी इससे सॉल्व हो जाएगा। ये आपके बालों को बहुत घना करेगा, चमकदार करेगा और आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। तो ये सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ली हैं। सबसे पहले ये लिया है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता जो है, ये इसकी 3 डंडियाँ मैंने ली हैं अपने घर में से ही। 3 डंडियाँ कड़ी पत्ते की ली हैं। 2 टेबल स्पून जितनी कलौंजी इसमें जाएगी। कलौंजी बेहतरीन है बालों के लिए, बालों को काला करती है। अगर इसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल किया जाए खाने में और लगाने में, अगर ऑयल के अंदर आप कलौंजी का इस्तेमाल करें तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, काफ़ी अरसे तक आपके बाल काले रहेंगे। नेक्स्ट ये है मेथी दाना। मेथी दाना बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके बालों को नरम मुलायम करेगा, ये आपके बालों को थिक करेगा, ये आपके बालों में जान लेकर आएगा। मेथी दाने के बहुत सारे फ़वाद हैं। मेथी दाना जो है, अगर हम इस ऑयल में ऐड करेंगे तो उससे आपके जो बालों की जो ग्रोथ है, जहां आपके बाल अगर कम हैं तो वो आपके बाल वहां से घने होंगे। बहुत अच्छा है मेथी दाना बालों के लिए। मेथी दाना था इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, 2 टीस्पून जितनी इसमें जाएगी अलसी। अलसी आपके बालों को नरम करेगी, मुलायम करेगी, चमकदार बनाएगी। प्याज 2 अदद हैं जिनको हमने मोटा मोटा काट लिया है, इसमें ये शामिल करेंगे। प्याज जो है वो आपके बालों को आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। आपके बालों को बहुत जल्दी लंबा करता है, घना करता है, मोटा करता है। आपके बाल इससे बहुत ज़्यादा अच्छे शाइनी हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए। ये भी एक ये तो नॉर्मल अगर बगैर किसी चीज़ की भी लगाया जाए आपके बालों में तो आपके बाल इससे सरसों के तेल से बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये हमने लिया है तकरीबन 1 कप, 1 कप सरसों का तेल है, हमने ये भी लिया है इसमें। और इसमें हम शामिल करेंगे कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल हमने लिया है तकरीबन 1/2 कप जितना। इन सारी चीज़ों को अब हमने एक ब्लेंडर में डालना है और हमने इनको ब्लेंड करना है अच्छी तरह से, हमने पीस लेना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनको भून कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भून कर इस्तेमाल करने से ज़्यादा मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप इसको पहले पीस लें और उसके बाद आप थोड़ा सा उसको पका लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इनको पीस लेंगे तो इनके जितने भी, इन सारी चीज़ों के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। कड़ी पत्ता और ये सारा कुछ हमने ब्लेंडर में डाला है। अब हमने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है इन सारी चीज़ों को ऑयल समेत। ये जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे सारा कोकोनट ऑयल, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मस्टर्ड ऑयल पूरा। सारा कुछ है इसके अंदर। हमने इसको अच्छी तरह से किसी भी स्पैचुला की मदद से रोकने के पकाना है। ये हमने इसको देखें, इतना स्लो फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं ऐसे। थोड़ा सा ये कि टाइम गेनिंग है लेकिन आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। इसने अपना कलर चेंज करना अब शुरू कर दिया है और ये कोई हमें पकाते हुए 10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह से ना बन रहा है, बहुत अच्छा सा ऑयल। और अब हमने इसको स्लो फ्लेम पर इतनी देर पकाना है, इसके अंदर जितनी भी ये चीज़ें थी कलौंजी मेथी दाना वगैरह सारा कुछ अपना कलर चेंज कर ले, डार्क हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए ऑयल के अंदर सारी चीज़ें, और ये इसकी जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल इससे अलग हो जाए। हमने इतनी देर तक इसको पकाना है।
बहुत अच्छा ऑयल बनता है, ये बहुत अच्छा है बालों के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा कम से कम एक मरतबा, आप खुद इसके रिजल्ट्स देखेंगे। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपने जब भी शावर लेना है उसे एक घंटा पहले आपने ऑयल लेना है, उसको हल्का सा नीम गर्म करना है और आप अपने अच्छे तरीके से रूट के ऊपर उनकी मसाज करेंगे बहुत अच्छी तरह से अपने स्कैल्प के ऊपर, और अच्छी तरह से आप अपने बालों पर भी इसकी मसाज कर लेंगे सर्कुलर मोशन में, ताकि आपका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए आपके स्कैल्प में, आपके बालों में बहुत अच्छी तरह से। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं ये पहले बना चुकी हूँ। मेरा अपना आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि वही वाला हेयर ऑयल बनाती हूँ जो पहले बनाया था और बहुत शानदार मुझे रिजल्ट्स मिले थे, इसलिए मैंने उसको अगेन बनाया और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। आप लोग भी इस हेयर ऑयल को ज़रूर घर में बनाएं, एंड आई गारंटी टू यू कि इस हेयर ऑयल को यूज़ करने के बाद आपको बाजार की किसी भी महंगे हेयर ऑयल को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 वीक्स के अंदर ही आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। अब लास्ट में सारी चीज़ों ने अपना कलर चेंज कर लिया है, सब कुछ थोड़ा सा डार्क हो गया है, ऑयल थोड़ा सेपरेट हो गया है। अब हमने इस टाइम पर इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और दूसरी साइड पर हमने वॉल के अंदर एक मलमल का कपड़ा रख दिया है। अब 15 से 20 मिनट हमने इंतज़ार किया, जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हो गया, हमने इसको सारे को मलमल के कपड़े में डाल दिया है। अब बहुत अच्छी तरह से हमने दबा दबा कर इसको निचोड़ लेना है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। अब ये जो पेस्ट है हमने इसको भी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, मैंने तो पहले ऑयल को अच्छी तरह से मसाज किया था स्कैल्प में और उसके बाद मैंने ये जितना भी हमारा पेस्ट था ये मैंने अच्छी तरह से पूरे बालों पर एज अ मास्क यूज़ किया। अब इस ऑयल को आप तकरीबन 3 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अब लास्ट में आपने लेनी है कोई भी बॉटल, कोई भी कंटेनर आपके पास खाली हो, आपने उसके अंदर ऑयल को डालना है और आपने उसको रख देना है। वैसे आप सनलाइट में अगर इसको रखेंगे तो आपको इसके ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।